भेलवा घाटी का नाम आपको अब तक याद होगा। नक्सली नरसंहार के लिए ये जगह हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये जगह 17 मासूमों की मौत का गवाह रहा है। लेकिन आज हम इस जगह की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ करोड़ों की लागत से एक सड़क बन रही है, जिस पर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, रिपोर्ट देखिए। ये सड़क भेलवा घाटी में बन रही है। अब जरा इस सड़क की गुणवत्ता देखिए। पैरों को यदि जोर से रगड़ा जाए तो इसका सारा अलकतरा चिप्स सहित बाहर निकल आता है। 3 साल पहले ही सड़क की शुरुआत हुई थी, लेकिन 15 किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बन पाई और इस पर आज कई सवाल उठ रहे हैं। सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, विकास का कार्य चल रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको आज इस तफ्तीश में दिखाएंगे। न्यूज 11 की टीम आज यह जानने की कोशिश करेगी कि इस नक्सल प्रभावित इलाके में आखिर विकास कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है। इस साल होने को है, आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। इस सड़क मनमाने तरीके से ठेकेदार यहाँ पे काम करवा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहा है इसमें, वो भी मनमाने तरीके से कहीं से भी ला के डाला जा रहा है। हमें लगता है कि इसका जो एज होता है वो खत्म हो जाएगा बहुत समय रहते हुए, रहने के पहले ही। कोई नोटिस नहीं दे दिए क्या? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं। अमीन आए थे ना अपने? हाँ, जमीन आपका चला गया? हाँ, जा, तो अमीन नहीं, अमीन आया था, वो नापी करके जैसे बोले थे कि हमको आएंगे, फिर कागज इसका लाएंगे और इसके बाद जैसे आप लोग को जो मिलने का होगा वो मिलेगा, लेकिन पैसा वैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। बहुत दिन हो गया। इस मामले में जब हमने संवेदक का पक्ष जानना चाहा तो संवेदक से सीधे हमारी बात नहीं हो पाई। इस मामले में मुंशी ने कहा है कि सारा काम अभियंता की देखरेख में हो रहा है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। गुणवत्ता शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है और गुणवत्ता शब्द में गड़बड़ी कहन देने मात्र से नहीं हो जाता है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। और जो भी व्यक्ति आरोप लगाए हैं उन व्यक्तियों से मेरा आग्रह होगा कि वो प्रूफ के साथ आरोप लगाएं। तो बिल्कुल, जांच टीम आई थी, जांच टीम अपना जांच करके गई है। यह सड़क उम्मीदों की सड़क है, लेकिन अब इस सड़क पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की गुणवत्ता से जो संवेदक हैं वो समझौता कर रहे हैं। वहीं संवेदक ने कहा है कि उनकी ओर से गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। विभाग ने कहा कि संबंधित जो सड़क है उसकी जांच कराने के लिए राज्य स्तरीय टीम यहां पर आई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नक्सल प्रभावित इलाके में करोड़ों की लागत से बन रही इस सड़क पर विभाग विशेष ध्यान दे और इसकी जांच कराकर संबंधित संवेदक पर उचित कार्रवाई करे। अपने सहयोगी संदीप व केशु के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। आपने देखी और इस रिपोर्ट को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से विकास की बयार बहाई जा रही है। सड़क विकास का सबसे पहला नमूना, सड़क से कहते हैं जिस जहां पर सड़क बेहतर हो, सड़क की सुविधा हो, वहां पर विकास सबसे पहले पहुंचता है। लेकिन सड़क की हालत अगर ऐसी हो, सड़क निर्माण में अगर इस तरह से अनियमितता बरती जाए तो कैसा विकास हो रहा होगा वहां पर, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। श्रीकांत, ये जो सड़क बनाई जा रही है, करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है, दावा सिर्फ ये कि सड़क अगर बन जाएगी तो लोगों को सहूलियतें होंगी, इलाके का विकास होगा, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए, महज जूते की ठोकर से अगर सड़क का अगर उखड़ रही हो, अगर इस तरह से कंक्रीट निकल रहे हो, तो ये कैसा विकास और कैसा निर्माण? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य किए जा रहे हैं, कई विकास कार्य हुए भी हैं और कई विकास कार्य जारी भी हैं। इसे लेकर जो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है वो गिरिडीह के देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी, जो अति नक्सल प्रभावित इलाका है, जो पास से जो जिला लगता है वो चंद किलोमीटर की दूरी में जो है वो जमुई जिला लग जाता है, बिहार है। कई पूर्व में कई बार नक्सलियों ने उस इलाके में अपना तांडव मचाया है, तो
जिस तरीके से अब सड़क बनी थी, लोगों को उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर एक बेहतर सड़क का निर्माण होगा और सड़क के निर्माण से जो विकास के मार्ग है वो खुलेंगे, लोगों को एक उम्मीद थी, यह उम्मीद की सड़क थी। लेकिन जिस तरीके से जो ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है, संवेदक की लापरवाही सामने आ रही है, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस तरह से एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि अगर गुणवत्ता इसी प्रकार से रहेगी तो सड़क कितने दिनों तक चलेगी। हालांकि जो इस बाबत में हमने विभाग से बात किया तो विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य स्तरीय भी टीम आई थी और जिला स्तरीय टीम भी जांच की है और अगर ग्रामीणों का जो आरोप है उन आरोपों पर जो है जांच की जाएगी, शिकायत उनकी सुनी जाएगी। लेकिन ग्रामीण जो है वो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जांच कर जल्द से जल्द संवेदक पर ठोस कार्रवाई की जाए। हालांकि यह सड़क 18 माह में बनी थी लेकिन जैसा संवेदक के द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना काल की वजह से थोड़ी विलंब हुई है, लेकिन अब जब हमने विभाग से बात किया तो उनका कहना है कि टाइम एक्सटेंशन पूरा होने पर जो है वो राशि भुगतान के समय जो संवेदक को पेमेंट किया जाएगा उससे डिडक्शन किया जाएगा, राशि काटी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 15 किलोमीटर की यह सड़क है, अंतिम मुहाने पर जहाँ पर सड़क खत्म होगी वहां पर एक महत्वपूर्ण नदी है और उस नदी से चंद किलोमीटर की दूरी पर बिहार बसा हुआ है। हालांकि नदी के उस पार कुछ गांव भी हैं टूटे हुए, तो पुल बनने से लोगों को सुविधा होगी लेकिन अब तक पुल निर्माण का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। अब जो श्रीकांत, एक सवाल, एक छोटा सा जवाब जरूर चाहूंगी। देखिए वक्त थोड़ा सा कम है, ये सड़क इसकी उम्र क्या होगी? ये तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि इसकी उम्र कितनी लंबी रहने वाली है, लेकिन सवाल ये कि क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी बड़े अधिकारियों की नजर पड़ी है? क्या इंस्पेक्शन की बात हुई है? क्या एक्शन की बात हुई है? जी देखिए, अब हमने जब बात किया तो विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो भी आरोप है उन आरोपों की जांच कराई जाएगी और अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो संवेदक के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए श्रीकांत कि ये सिर्फ बातें ना हो, कागजों में ही ना सिमटा रहे, बल्कि कार्रवाई भी हो और इस सड़क को ऐसा बनाया जाए ताकि उसकी उम्र भी लंबी हो और लोगों को सच में विकास लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भेलवा घाटी में सड़क निर्माण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो महज जूते की ठोकरों से देखिए कैसे अलकतरा जो सड़क पर बिछाया जाता है वो उखड़ रहा है, कंक्रीट उखड़ रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। सब ये कह रहे हैं, जो भी अभियंता है, मुंशी है, सब कह रहे हैं काम बेहतरीन हो रहा है, लेकिन कितना बेहतरीन काम हो रहा है यह आप देख सकते हैं। बेहतरीन सिर्फ और सिर्फ राशि लूट में हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।